व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो अमेज़न के ऊपर होने वाली है। अमेज़न से मैंने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाए, जीन्स है, टी शर्ट है, शूज़ है, एक्सेसरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अमेज़न से अपने लिए ऑर्डर करी है। ये वाले जो मैंने प्रोडक्ट है वो अमेज़न से मंगाए, तो इसका मैं आज हॉल वीडियो बनाऊंगा। सबको मैं एक एक करके आपको वेयर करके बता देता हूँ और इसकी प्राइस, क्वालिटी, हर एक चीज़ के बारे में आगे इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। सो वीडियो को अभी मैं शुरू कर देता हूँ। जिनको भी ये प्रोडक्ट पसंद आते हैं उनको परचेस करना रहेगा, तो सारे प्रोडक्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो स्वेटशर्ट है ऑलिव ग्रीन कलर में आने वाला स्वेटशर्ट है। ये मैंने जो स्वेटशर्ट वेयर किया है, इसकी साइज की बात करूँ तो ये एल साइज में आने वाला है। थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी है ये टी शर्ट और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। ये 75% कॉटन और 25% पॉलिस्टर से बनाया गया टी शर्ट है। और इसकी बात करूँ मैं प्राइस की, तो ये मैंने 399 में लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, हाथों के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रिप आ जाएगा। और इसकी जो क्वालिटी वगैरह है बहुत ज़्यादा अच्छे, सॉफ्ट फैब्रिक से बनाया गया है। नीचे की तरफ भी आपको ग्रिप आ जाता है और ये स्ट्रेचेबल भी है। आप इसे विंटर में वेयर वगैरह कर सकते हो, ऑल सीज़न वेयर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये टी शर्ट है, इसके अंदर आपको और भी कलर मिल जाएंगे। ये वाला जो आप टी शर्ट देख रहे हो, अमेज़ॉन का अपना खुद का ब्रांड है सिम्बॉल, इस ब्रांड का ये टी शर्ट है। ये वाला टी शर्ट 100% कॉटन मटेरियल से बनाया गया टी शर्ट है। क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पोलो टी शर्ट ये है, आप देख सकते हो, और फिटिंग वगैरह भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये स्मॉल साइज़ में मैंने वेयर किया हुआ है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे लगभग 277 में मिला है। और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अमेज़ॉन के जो अपने खुद के ब्रांड है उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे। ये वाले शूज़ जो है वो अमेज़ॉन के अपने खुद के ब्रांड के शूज़ है। पैकेजिंग आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है पैकेजिंग की गई है। और शूज़ की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि आपको यहाँ पे शूज़ दिख रहा है, वाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में आने वाला ये शूज़ है। और जैसे कि बताना चाहूँगा, इसका वेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और इसकी जो प्राइस है वो 499 है सिर्फ। और आप देख सकते हो अंदर की तरफ कुशनिंग वगैरह की गई है। और इसकी जो सोल की बात करूँ तो रबराइज सोल है, काफ़ी अच्छा सोल है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है शूज़ की। जितने भी ये अमेज़ॉन के अपने खुद के ब्रांड है उनके जो भी प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आप जैसे कि देख सकते हो। ये वाला जो ब्रांड है ये अमेज़ॉन का अपना खुद का ब्रांड है और इसकी कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये वाली जो जीन्स है ये मैक्स ब्रांड की तरफ से आने वाली जीन्स है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैक्स ब्रांड जो है वो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, कम प्राइस में काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको जीन्स वगैरह मिल जाते हैं मैक्स के अंदर। और जैसे कि इसकी बात करूँ साइज़ की, तो ये 30 साइज़ मैंने वेयर किया हुआ है। स्लिम फिट जीन्स है, ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में, काफ़ी अच्छी जीन्स है। रेगुलर लेंथ है, इसकी लेंथ की बात करूँ तो। और जैसे कि बताना चाहूँगा, इसकी प्राइस जो है वो 639 में मैंने लिया है। और हल्का सा थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है। ये वाली जॉगर है ना, ऑलिव ग्रीन कलर में आने वाली जॉगर है, और मैंने 399 में लिए। क्वालिटी वगैरह आपकी बात करूँ ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। फैब्रिक पतला है लेकिन बहुत अच्छा है, फुल स्ट्रेचेबल है। आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर ग्रिप पे और बॉटम में ब्लैक कलर में ग्रिप मिल जाएगा आपको। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, ऑलिव ग्रीन कलर में आती है। इसके अंदर आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये वाला बेल्ट मैंने लिया है और ये वाला बेल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको अभी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका बक्कल वगैरह की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से बनाया गया बक्कल है। और बेल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बेल्ट की अगर बात करूँ मटेरियल की, तो ये PU लेदर मटेरियल से बनाया गया बेल्ट है। और ये फ्री साइज़ है, किसी को भी आ जाएगा। और इस बेल्ट की खास बात यह है कि आप इसे काट के छोटा कर सकते हो, इसका बक्कल जो है वो निकल जाता है। इसके बक्कल को आप निकाल के बेल्ट को काट के दोबारा से लगा सकते हो। अभी मैं आपको इसका बक्कल जो है वो निकाल के दिखा देता हूँ। बेल्ट की प्राइस की बात करूँ तो ये 279 में आ जाता है, और 279 में मैंने लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो बेल्ट मैंने निकाल दिया है, और आप देख सकते हो बक्कल कैसे है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बक्कल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसे निकाल के बेल्ट को काट के दोबारा से लगा सकते हो। और जो बेल्ट की थिकनेस वगैरह है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी अच्छे बेल्ट है। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर एक प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर मुझे इंस्टा भी फॉलो कर लेना। सो मिलता हूँ मैं आपको वीडियो में, तब तक स्वागत मारो।